जनपद सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश डुमरियागंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चार चोरों को किया गिरफ्तार। जनपद सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। पुलिस ने चार चोरों के साथ जेवरात सहित नकदी, यूं एक अवैध बंदूक व दो जिंदा कारतूस बरामद। मुखबिरी की सूचना पर बढ़ाया भोलानाथ की पुलिया के पास घेराबंदी करके चोरों को पकड़ा। पुलिस ने क्षेत्र में हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए चोरी को मय कीमती सामान और नकदी के गिरफ्तार करके बड़ी सफलता अर्जित की है। इंस्पेक्टर केडी सिंह के नेतृत्व में चले इस अभियान को मिली सफलता को सीओ पुलिस ने शाबाशी दी है। बुधवार को थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र सिंह देव ने बताया है कि गत दिनों सुतवा मुंडडीहा और सुरखुरवा चौराहे पर चोरी और लूट की घटनाएं हुई थी। इस घटना में शामिल लोगों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। मंगलवार को मुखबिरी की सूचना पर बढ़ाया भोलानाथ की पुलिया के पास घेराबंदी करके चार साथी चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरों के नाम नौशाद पुत्र बशीर, राहुल पुत्र राम कुमार, कृष्ण पुत्र राजीव, सभी निवासी ग्राम महतनिया थाना भवानीगंज, यौ सुभाष पुत्र बृजलाल निवासी तिलोली थाना वासी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर यौ नकदी बरामद किया है। इसके साथ ही दो अदद मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। चोरों को गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक अनिल कुमार सिंह एसआई, पारसनाथ सिंह, राजकुमार हेड कांस्टेबल, मिथिलेश यादव, राजेंद्र यादव शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने गिरफ्तार करने वाली टीम को दिया 50,000 का इनाम। दूसरी घटना मोलाडी की है, वहाँ पे ये लोग गए गैंग के रूप में काम करते हैं और वहाँ से नकदी और जेवर लोगों ने चुराए। तीसरी घटना थाना क्षेत्र भवानीगंज सिलोखरा की है। सिलोखरा में ये लोग पीछा करते करते एक दंपति थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे हस्बैंड वाइफ, रास्ते में सामान पूछा, रास्ता पूछा कि आप किधर जाना है, रास्ता किधर है, तो इन लोगों ने तुरंत ही गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक करके जो तमंचा था मोमबत्ती में सटा दिया और उसके पास से पर्स छीन लिया और साथ में उसकी चेन छीन ली। इसी तरीके से कुछ दिन पहले बर्डपुर में चोरी की घटना हुई थी, वहाँ भी लोगों ने चोरी किया और बर्डपुर की घटना चोरी करके इस्तेमाल लोगों ने व्यापार में पेश किया। लेकिन ये जो घटनाएं इतना हमारे क्षेत्र में हुई थी लगातार, इसके लिए हमारे पुलिस लगातार सक्रिय थी। हमारे स्पेशल केडी सिंह और हमारे बाकी ऐसे सभी लोग घटना को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई थी, स्पेशली हमारे इंस्पेक्टर अनिल सिंह द्वारा और हमारे सब इंस्पेक्टर पारसनाथ सिंह, मिथिलेश यादव कांस्टेबल, राजेंद्र यादव कांस्टेबल और शुभकरण और गोपाल, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करके सूचना प्राप्त करके उन लोगों को पकड़ा और जब उन लोगों को पकड़ा है तो उनके पास दो मोटरसाइकिल थी, दो बड़े सवार थे, इसके कागज पानी थे तो कागज उपलब्ध नहीं कराए गए और इनके पास से एक अदद तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो अदद चाकू और गहने बरामद हुए। गहने में मंगल सूत्र, पायल है, की नथनी और चेन आदि बरामद हुआ और इसके अलावा इनके पास से 5,420 रुपये बरामद हुए। कई सारा माल का पैसा जो लोगों के पास था वापस में बात कर चुके हैं। चोरी का 5,420 रुपये बरामद है वो हम लोग ने किया है और लगातार क्षेत्र में चोरी घटना बढ़ रही थी, उस पर हमारी पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। है कि हम लोग जेल जा रहे हैं तो हम लोग इन लोगों पर जैसी कार्रवाई करेंगे, गैंग पंजीकरण करवाएंगे, जिससे कि भविष्य में ये इस घटना की पुनरावृत्ति ना कर सके। कुछ दिन पहले एक हमारे थाना क्षेत्र का रवि गुप्ता एक क्रिमिनल है, इसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं और इसी का छोटा भाई राहुल गुप्ता जो कि इस घटना को मेन पूर्ण रूप से इसमें अंजाम दिया है। तो अभी तक तो रवि गुप्ता का इसमें कोई हम लोग को साक्ष्य नहीं मिला है।